नमस्कार दोस्तों, श्री गोविंदम क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस डेली की हो रही है हमारी श्री गोविंदम क्लासेस पर, आपको यूट्यूब चैनल पर या व्हाट्सएप पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही हम डेली का एक चैप्टर या एक ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, आप तक मिलेगा। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हमने पिछली वीडियो में परमाणु के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था, अब तक पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, फोर में परमाणु चैप्टर के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी। नेक्स्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आवर्त सारणी के बारे में कि आवर्त सारणी क्या होती है। ये भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तथा अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी करनी है, आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। आवर्त सारणी बहुत बड़ी है वैसे तो, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में आप उसको बेटर याद कैसे कर सकते हैं, आवर्त सारणी को याद कैसे कर सकते हैं, तथा आवर्त सारणी से जो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए पहले इस चैप्टर को लेकर थोड़ी सी बातचीत कर लें, बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए, परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था और परमाणु चैप्टर में हमने ये जान लिया कि प्रकृति के अंदर जितने भी ठोस द्रव या गैस पदार्थ हैं या जो भी द्रव्य पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं अंदर उसमें परमाणु होता है या परमाणु से मिलकर वो बने होते हैं। परमाणु मिलकर यौगिक तत्व, तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, अणु बनाते हैं, इस प्रकार से कोई भी पदार्थ है उसका निर्माण होता है। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे थे लगातार, तो प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व, बहुत सारे परमाणु खोजे गए थे। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ परमाणु खोज लिए, अब बात आई थी कि इन परमाणुओं को जमाना किस प्रकार से है, रखना किस प्रकार से है। तो प्रत्येक वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत दिए कि मेरे हिसाब से इन परमाणुओं को हम इस हिसाब से रख सकते हैं या एक व्यवस्थित रूप में हम इस प्रकार से रख सकते हैं, किसी ने कहा इस प्रकार से, किसी ने, तो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग मत दिए। मैं आपको दो चार वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा कि भाई इस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी को लेकर या तत्वों की व्यवस्था को लेकर इस प्रकार से बताया। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है। आवर्त सारणी का मतलब होता है, देखो सारणी से हमें समझ में आ रहा है, सारणी का मतलब क्या होता है, टेबल जो हम सिंपली बनाते हैं, किसी भी चीज को लेकर टेबल बनाते हैं वो सारणी होती है। लेकिन आवर्त मतलब यहाँ पर क्या है कि वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, तत्वों को उनकी उनके गुणों के आधार पर एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित व्यवस्था में जमा दिया गया था, उस व्यवस्था क्रम को आवर्त सारणी कहते हैं। अब वो व्यवस्था क्रम उनके गुणों के अनुसार हो सकता है, उनके आकार के अनुसार हो सकता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग हिसाब से मत दिए। सबसे पहले आता है हमारी प्राउड परिकल्पना। प्राउड परिकल्पना क्या कहती है, प्राउड परिकल्पना कहती है कि देखिए आवर्त सारणी में सबसे प्रथम सदस्य जो होता है वो है हमारा हाइड्रोजन। सबसे प्रथम सदस्य कौन है, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक। तो प्राउड परिकल्पना के अनुसार है कि प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व हैं उन सब का परमाणु क्रमांक होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, दस, बीस, पचास, सौ, दो सौ, सौ, जितने भी, 120, 30 तक वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भी तत्व है उसको अगर माना कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पांच है तो वो भी क्या एक का गुणज है, मतलब उसका पांच का भी आ रहा है। अगर किसी का मैं बोलता हूँ ग्यारह है तो वो भी एक का गुणज आ रहा है तो ग्यारह हो रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह आ रही है, तो इसने कहा था कि हाइड्रोजन जो है, अन्य तत्व जितने भी हैं वो सब हाइड्रोजन के गुणज के बराबर होते हैं। तो परमाणु, प्राउड ने कहा था कि जितने भी तत्व हैं प्रकृति के अंदर पाए जा रहे हैं वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के गुणज के बराबर होते हैं, प्राउड परिकल्पना के अनुसार। ये बात क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आता है हमारा डोबेनियर का त्रिक नियम। डोबेनियर का त्रिक नियम, डोबेनियर का त्रिक नियम क्या कहता है हमारा, देखिए यहां पे हमें पता है कि इसमें एक वर्ड आ रहा है त्रिक। त्रिक का मतलब क्या होता है, त्रिक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है त्रिक, मतलब त्रि मतलब तीन। मतलब हमें यहाँ पर यह चीज क्लियर हो रही है कि इस नियम में जो भी बात की गई है, जो कुछ भी बताया गया है वो तीन तत्वों को लेकर या तीन तत्वों को लेकर बताया गया है। क्या बताया गया है, इसने कहा था कि कोई भी अगर मैं, डोबेनियर का त्रिक नियम कहता है कि किसी भी अगर मैं तीन तत्वों का ग्रुप लेता हूँ ए, बी और सी, सिक्वेंसली होने चाहिए वो, एक क्रम में होने चाहिए, बट क्रम में अनुसार मैं किन्हीं भी तीन तत्वों का अगर कोई एक ग्रुप लेता हूं तो उसमें से ये हमारा फर्स्ट तत्व है, एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, जिसमें से कहा गया था कि फर्स्ट का, फर्स्ट का और थर्ड का जो एवरेज है वो बीच वाले के बराबर होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसने कहा था कि अगर मैं किन्हीं भी तीन तत्वों को, किन्हीं भी लगातार क्रम वाले तीन तत्वों को लेता हूं तो उनमें पहला वाला तत्व
और अंतिम तत्व, इन दोनों का एवरेज जो है वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल में आपको, जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं कि ए है, ए और सी इन दोनों का एवरेज, मतलब दो है तत्व, तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर, अब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका बी का परमाणु क्रमांक होगा। बात क्लियर होगी नहीं, तो कोई भी दो तत्व ले रहा हूं, उन दो तत्वों का अगर मैं यहां पर बात करता हूं, दो तत्वों के एवरेज जो है उनका औसत जो है वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर? जैसे मैं बात करता हूं कि एग्जांपल के तौर पर हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तीन तत्व लिए मैंने, कौन सा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, हीलियम का दो और इसका तीन होता है। इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत क्या होगा, 1+3, दोनों को संख्याओं को जोड़ दिया बटे क्या कर दिया, दो कर दिया, बराबर कितना, 3 और 1 4/2 = 2। तो ये जो दो है वो दो क्या है, बीच वाले तत्व का परमाणु क्रमांक है। हालांकि अगर हमें पता नहीं है, जैसे तो बीच वाले का हमें पता है दो है और आंसर भी क्या आ रहा है, द्वारा, तो ये उत्तर की पुष्टि हो रही है कि पहला तत्व और अंतिम तत्व, अंतिम तत्व मतलब तीसरा तत्व, इन दोनों का एवरेज जो है वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। क्लियर होगा? सबसे पहले मैंने आपको प्राउड परिकल्पना के बारे में बताया था। प्राउड परिकल्पना क्या कहती है कि भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, तो एक को हम किसी से भी गुणा करते हैं वही आता है, तो जितने भी तत्व हैं वो सब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक के गुणज के बराबर होते हैं, ये हाइड्रोजन के गुणज के बराबर होते हैं। डॉगेनियर का त्रिक नियम तीन तत्वों को लेकर है, इसने कहा था कि कोई भी क्रमानुसार अगर मैं तीन तत्वों को ले रहा हूं तो उनमें से प्रथम तत्व और अंतिम तत्व का एवरेज जो है, औसत जो है, वो बीच वाले तत्व के बराबर होगा। नेक्स्ट नियम आता है हमारा न्यूनेंड का अष्टक नियम। देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी हमें जैसे प्रकार से यहां पर तीन दिख रहा था उसी प्रकार से अष्टक दिख रहा है, और अष्टक का मतलब होता है आठ। ये क्लियर हो गया समझ में आपको, आपको ये एवरेज वाला सूत्र ये लिख लिया होगा शायद, मुझे उम्मीद है, और साथ में पेन कॉपी लेकर बैठा करो और उसको लिखते हुए चला करो, ठीक है, लिखते चलोगे तो वहां पर सही रहेगा थोड़ा सा। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिंपल सा है, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई टफ रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल नियम है ये। ये नियम क्या कहता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक था जिसने बताया गया था, वो आठ तत्वों को लेकर बताया गया था। इसने कहा था कि जिस प्रकार से यहां पर इसने संगीत की बात कर ली, संगीत की बात इसलिए कर ली क्योंकि इसको संगीत से प्रेम था, होते हैं ना यार, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर हॉबी कुछ और होती है, अब ये साइंटिस्ट था ठीक है, बट कुछ पर्सनल हॉबी भी थी उसकी संगीत की, तो संगीत से बड़ा लगाव था इसको, तो इसने कहीं ना कहीं, हमारे जीवन में भी यही होता है, जो इंटरेस्ट जो पैशन हमारे अंदर होता है हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज को रिलेट कर लेते हैं, तो यहां पर भी यही है कि संगीत से बड़ा प्रेम था इसको, और इसने क्या किया कि जिस प्रकार से संगीत के स्वरों का इसको पूरा ज्ञान था, जैसे कौन कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नी और सा, हो गया यार 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लिख लेते हैं बाद में भूल जाओ अगर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर हमें एक चीज नजर आ रही है कि जो प्रथम सुर है सा और अंतिम सुर है आठवां वो भी है सा, जब मैं इसको वापस से लिखूंगा तो यह क्या लिखूंगा, सा नी ध प म ग रे और सा, इसी प्रकार से होता है कंप्लीट अगर हम मंत्र पूरा करते हैं तो सारे का पदा नी सा नी ध प म ग रे सा। तो यहां पर देखें कि प्रथम तत्व जो है उसके अगले आठवें तत्व से समानता दर्शा रहा है और इसका भी इसके अगले आठवें तत्व से समानता दर्शा रहा है, तो यहां पर इसने इसी चीज को यहां देखा गया था कि अगर मैं कोई भी आवर्त सारणी में क्रमानुसार कोई आठ तत्व लेता हूं, क्रमानुसार आठ तत्व लेता हूं, उनमें से प्रथम तत्व उसके अगले आठवें तत्व से समानता दर्शाएगा, प्रथम तत्व उसके अगले आठवें तत्व से समानता दर्शाएगा, ये बात इसने कही थी न्यूलैंड के अष्टक नियम ने। यहां तक क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको और समझा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल बात करें लिथियम शुरू करते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और यहां पर नियोन नहीं आएगा, सोडियम आएगा, फ्लोरीन, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा नियोन यहां पे आएगा। तो देखिए यहां पर ये हमारा तीसरा तत्व है, ठीक है, या फिर ये पहला तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये है हमारा 8। पहला तत्व जो है उसके अगले आठ, पहला और आठ वो दोनों समान है,
तो पहला और आठवां इस नियॉन को मैं यहां भी लिख सकता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, नियॉन को यहां लिख देंगे तो आठ, तो पहला तत्व और उसका अगर आठवां तत्व समानता दर्शाते हैं, इसीलिए नियॉन को हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। जब हम आवर्त सारणी आगे पढ़ेंगे तो हैलिन आती सॉरी सोडियम है ये, सोडियम Na और इधर भी है Na, तो हैलिन आती रब से फरियाद। और देखें अगर तो लिथियम का प्रमाण क्रमांक होता है 3, सोडियम का प्रमाण क्रमांक होता है 11, दोनों में कितने का अंतर है 8 का अंतर है। तो यहां पर भी ये चीज क्लियर हो रही है कि प्रथम तत्व जो है वो उसके अगले आठवें तत्व से समानता दर्शा रहा है, जैसे सात आठ और अगला आठवां सातवां सा है, इसी प्रकार से। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो तीन नियमों के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राउड परिकल्पना डोबिनियन का तृतीय नियम, जो क्या कहता है कि कोई भी दो तत्व है ए प्लस सी बटे दो करेंगे तो क्या आएगा बी का प्रमाण क्रमांक आएगा। और तीसरा नियम है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो क्या कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है हमारा कि प्रथम तत्व जो है वो उसके अगले आठवें तत्व से समानता दर्शाएगा। इसमें थोड़ी सी इनके कुछ अपवाद हैं जो कमी है कि जिस वजह से ये नियम आगे नहीं चल पाए थे, उसके बारे में आपको बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट नियम पर लेके चलता हूं, जब तक आप इसमें से कुछ लिखना हो तो आप लिख लीजिए। एक तो एग्जांपल ये इस प्रकार से चालू होता है। क्लियर है यहां तक, आपको समझ में आ गया? अब इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं जो हमारा मेन है मुख्य नियम जो हमारे आ रहे हैं। आवर्त सारणी देखिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी है साथ में छोटा भी है, लेकिन हमें ध्यान ही रखना अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो इस चैप्टर में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से समझ में आ जाएगा। और मैं बात करूं आपके कंपटीशन एग्जाम्स की तो जेट आईसीआर या केमिस्ट्री या साइंस, जिसमें केमिस्ट्री आती है उसमें आवर्त सारणी तो फिक्स है, आनी ही आनी है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि परमाणु चैप्टर हो गया, आवर्त सारणी हो गया, रासायनिक बंध हो गया, ये तीन चार पांच चैप्टर ऐसे हैं बहुत ही बेसिक चैप्टर हैं जो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आते हैं और साथ साथ में हमारी केमिस्ट्री के बेस है उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपको नेक्स्ट नियम पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट नियम है हमारा मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी क्या होती है? मेंडेलीफ नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है, इसने अपनी एक सारणी बनाई और इसने कहा था, देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हमें आवर्त सारणी बारे में पढ़ रहे थे। आवर्त सारणी का सीधा सा मतलब क्या है कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक निश्चित क्रम या निश्चित व्यवस्था में जमा दिया जाता है, उस व्यवस्था को हमने आवर्त सारणी कहा, तो उस व्यवस्था को आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडेलीफ नामक वैज्ञानिक आया था, इसने कहा था कि ये आप जो व्यवस्था जमा रहे हो वो किस बेस पे जमा रहे हो, तो इसने कहा था कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण जो होते हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु, यहां पर ध्यान देना परमाणु भार, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। नियम समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सी परिभाषा है और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था? ये मेंडेलीफ की आवर्त सारणी ने कहा था। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडेलीफ ने दी थी। इसने कहा था कि उनके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यह है कि जिस प्रकार से तत्वों के परमाणु भार बदलेंगे, या कोई भी तत्व है या कोई परमाणु है उसके परमाणु भार में अगर परिवर्तन आएगा तो परमाणु भार में परिवर्तन के साथ साथ उस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण में भी परिवर्तन आएगा। समझे इस बात को? अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बॉल है 1 kg जिसका वजन है इतनी सी होगी, अगर मैं बात करूं कि उस बॉल का केजी कोई दूसरी है उसका 2 kg है, फिर मैं बात करता हूं अगर किसी बॉल का वेट जो है वो 3 kg है, तो यहां पर क्या हो रहा है जिस प्रकार से इस बॉल का वेट चेंज हो रहा है, परमाणु भार चेंज हो रहा है, उसी प्रकार से उसके गुणों में परिवर्तन आ रहा है। तो यही बात तत्वों पर लागू की थी, परमाणुओं पर लागू की थी मेंडेलीफ ने, कि मैं इस मेंडेलीफ ने देखा था एक्चुअल में इसको कि जिस प्रकार से उसके परमाणु भार बदल रहे हैं, जैसे जैसे परमाणु भार में परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे उस तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन आ रहा है। तो उसने कहा था कि हाँ आप इनको ऐसा करो कि परमाणु भारों के अनुसार इसको व्यवस्थित कर दो, इसलिए उसने एक आवर्त सारणी बनाई थी, परमाणु भार के अनुसार उन तत्वों को स्थापित किया, जमाया था और उसको स्थापित करके एक अपनी सारणी बनाई थी जिसने नाम दिया था मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। बट ये जो नियम है कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये भी आगे चलकर ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए ये आगे चलकर फेल हो गया। तो उसके बाद अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप एक बार समझ लेना इसको।
मेंडलीफ के बाद में दूसरा वैज्ञानिक आया था, मेंडलीफ के बाद में दूसरा वैज्ञानिक आया था, उसने इसी नियम को मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई समझ रहे हो, अपडेट किया था। अपडेट का मतलब क्या होता है कि भाई एक बार किसी ने कोई चीज बना दी, उसी में थोड़ा सा और चेंज करना, उसको और इंप्रूव करना, और बेटर बनाना, और फिर लोगों के सामने उसको रख देना। ठीक है, कॉपी पेस्ट होता है ना आजकल, कॉपी पेस्ट आजकल लोग यही कर रहे हैं, बस इधर की बात इधर रख दी, मतलब बात हो या कोई भी चीज हो इधर की चीज इधर उठा के रख दी, लोगों के सामने लगता है कि हाँ नई चीजें नहीं है, बट वो नई नहीं होती है, वो क्रिएटर होता है, वो मेन क्रिएटर होता है। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद में नेक्स्ट आवर्त सारणी आती है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। क्या आती है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब क्या है, या फिर इसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी ही क्यों है, क्योंकि आधुनिक मतलब आज तक हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं, वो है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। ये दी थी भाई साहब हेनरी मोजले ने, किसने दी थी, ये हेनरी मोजले ने दी थी। वो हमेशा मौज में रहता था, मस्ती, जैसे आजकल आप लोग मस्ती में कर रहे हो, बस घर में ही रहो, घर में एंजॉय करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, तो हेनरी मोजले ने ये आवर्त सारणी दी थी। और इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि तत्वों के, इसने भी वो सेम बात कही थी कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वहां पर उसने क्या कहा था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण आवर्ति फलन होते हैं, किसके, परमाणु भारों के। यहां पर कहा था इसने कि आवर्ति फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं किसके होते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं यहां पर, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। याद रखना बच्चों इसको, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यह बात कही थी हेनरी मोजले ने। और इसी नियम पर इसने अपनी एक सारणी बनाई थी जिसे आवर्त सारणी कहा था, और उसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए आज हम जो टेबल देखते हैं या जो हम आवर्त सारणी देखते हैं इस प्रकार की, ये आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। और ये आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांकों पर आधारित है, कि जिस जिस प्रकार से तत्वों के परमाणु क्रमांक परिवर्तित हो रहे हैं, वैसे वैसे उनके भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसीलिए इस आवर्त सारणी को हम आज तक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी, जिसने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूं, इसमें ये सारे नियम थे जो आवर्त सारणी चैप्टर के स्टार्टिंग में या इंट्रोडक्शन हमें इनके बारे में जानना होता है या पता होना चाहिए कि किसने कौन सा नियम दिया था और किस नियम में क्या बातें की गई थी। क्लियर हो गया, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे इसमें पढ़ेंगे वीडियो में कि आवर्त सारणी तो समझ में आ गया, अब ये जो आवर्त सारणी है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, वो तत्व कहाँ कहाँ होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, उनकी क्या विशेषता वगैरह वगैरह सारी डिटेल पढ़ेंगे। तत्वों को लेकर उनकी सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था इसका। अभी वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट होने वाला सेकंड, उसमें क्या है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, उनको याद कैसे करना है दोनों। देखो सबसे मजेदार बात यह है, आपको मैं एक नई चीज लेकर आने वाला हूं, मैंने खुद ने अभी एक ट्रिक जनरेट की है कि अभी तक आप लोगों ने अगर आवर्त सारणी पढ़ी है तो आपको पता होगा सब लोग इसकी इधर वाली ये वाली ट्रिक डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट ये ट्रिक नहीं बताता कि भाई एस एक से लेकर 20 तक 30 तक 40 तक 50 तक की ट्रिक क्या है। तो मैंने उन ट्रिकों को बनाया है एक संगीत के रूप में, गाने के रूप में, उसको एक थोड़ी सी पोएम के रूप में क्रिएट किया है, और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखना, जिसमें आवर्त सारणी के बारे में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रिक से वो याद करना है, क्या होता क्या नहीं होता। प्लस इसके साथ ही मैं आपको इस आवर्त सारणी में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, वो सारी चीजें भी बताएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये भी कहने वाला हूं कि आप अपनी पढ़ाई का रूटीन अगर नहीं बनाया है, पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बनाया है, तो गाइस आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप शेड्यूल बनाओ और पढ़ो ढंग से, घर बैठकर पढ़ो। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इस टाइम पर हम सभी को इंडिविजुअली और आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी को लेकर आपको रेस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको होना पड़ेगा।
हम आपके लिए इतनी सुविधाएं कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन वीडियो दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, एज पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ताकि आप घर पर भी शेड्यूल बनाकर पढ़ सको, आप डिस्टर्ब नहीं हो। इसका मिसयूज मत करना, ऐसा नहीं कि बस हाँ देख लिया मस्ती कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं। एक टाइम फिक्स रखो जिस टाइम पर आपको मस्ती मजाक करना है, बट 80% मैं आपको कहता हूं कि दिन का 80% टाइम आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, आप अपने स्टडी को दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। क्योंकि जहां तक ऐसा हो रहा है कि देश में जो अव्यवस्था फैली है, इससे क्या हो रहा है कि सभी की पढ़ाई शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपने पढ़ाई शेड्यूल को अच्छा कीजिए और अपने दोस्तों के बात करके ये मत फैलाओ हुआ कि यार हाँ पढ़ाई नहीं हो रही, सब पढ़ाई बिगड़ गई है वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरे पास दिन भर जो कॉल्स वगैरह आती रहती है स्टूडेंट्स की, वो सब कह रहे हैं सर हमारी पढ़ाई का शेड्यूल ही टूट गया, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, गाँव में मन नहीं लग रहा है, घर पर मन नहीं लग रहा है, या फिर नोट्स वगैरह नहीं लाए, वट एवर बहुत सारे रीजन आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि देखो जो इंसान कुछ करना चाहता है तो वो अगर उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनसे वो कुछ भी कर सकता है। ये आप अपने आप को बहाना बना रहे हो, आप अपने आप को एक झूठा साबित कर रहे हो कि यार मेरे पास स्टडी मैटर नहीं है, या मैं घर पर आ गया हूँ, या मैं गांव में आ गया हूँ तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या फिर घर पे हूँ, मैं कोचिंग में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता था, क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया, अब पता नहीं कब भारत खुलेगा, कब ये लॉकडाउन चालू होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाकर पढ़ते, जिस प्रकार से आप क्लास लेते हैं, वो सारा एनवायरनमेंट हम आपको श्री गोविंदन क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रही है। आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, आपको स्टडी मैटर में हर तरीके से दे रहे हैं, प्लस आपको मैं आपको डायरेक्ट ही कर रहा हूं, मैं चाहे कितने ही बिजी हैं, कुछ भी टीम है, आप पर्सनली कभी भी कॉल या मैसेज कर आपको कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, बट आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। आप पूरी कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ें और इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में से साइड में रखकर ये सोचो कि बस मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दोस्तों मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप क्रैश कोर्स वाले बच्चे हो तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया मैंने, या मैंने पढ़ाई नहीं की तो इस वजह से मैं जेट के एग्जाम को नहीं दूंगा, नहीं भरूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहो तो अभी इसी वक्त, अभी भी बहुत टाइम है, आप डेली घर पर अगर फिक्स कर लो कि मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना है, तो उस स्टडी को पढ़कर आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो और अभी भी आप जेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, जेट या आईसीआर या बीएचयू जो भी आपका टारगेट है। बट ये निराश मत हो, ये हताश मत होना कभी भी कि यार हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैं आपको कोशिश करूंगा, आपको जेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आपको घर पर रहकर अपनी जेट आईसीआर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपका शेड्यूल किस प्रकार से तैयार करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं जितना हो सकेगा आपकी पूरी हेल्प करूंगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी हाँ यार इतना घंटा तो मुझे पढ़ना चाहिए, इतने टाइम पे मुझे घर वालों को देना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, या फिर अदर एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए, बट आप अपनी पढ़ाई को स्टेबल रखिए दोस्तों, ठीक है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि निरंतर आप प्रयास करोगे तब वो निरंतर प्रयास ही आपको एक दिन बड़ी सफलता दिलाएंगे। जिस प्रकार से होता है ना कि बारिश जो होती है, बारिश में एक एक बूंद गिरती है, लेकिन वो बारिश की एक एक बूंद अगर निरंतर एक लगातार स्पीड में गिरती रहेगी तो वो बारिश ही एक नदी एक बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, बहुत ही विकराल बाढ़ का रूप धारण कर लेती है जो सब कुछ तबाही कर देता है। इसकी तबाही की शुरुआत होती है सिर्फ एक बारिश की बूंद से। उसी प्रकार से अगर आप 1 घंटे से 2 घंटे से या 3 घंटे से अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करते हो और उस पढ़ाई को कंटिन्यूअस जब तक आपके एग्जाम तब तक आप डेली पढ़ते हो, लगातार उतनी ही पढ़ाई करते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फिर बढ़ाते हो, फिर करते रहते हो, डेली करते हो, तो एक दिन आपकी पढ़ाई आपकी इतनी सफलता दिला देगी आपको, जेट एग्जाम सिर्फ क्रैक करना नहीं, जेट एग्जाम को आपको टॉप करा देगी आपकी मेहनत। यह मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी, हम सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये चीजें स्टडी मैटर हो गया ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट ये बारिश वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको याद रखना कि अगर जब बारिश की एक बूंद एक पूरा बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है तो मैं मेरी मेहनत करके क्यों नहीं एक बड़ी सफलता को हासिल कर सकता हूं। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिलता हूं जिसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में और इंपॉर्टेंट और शॉर्ट एंड स्वीट की पॉइंट्स आपको बताऊंगा। धन्यवाद।